रानी साहिबा के दो लड़के थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि भैया आप ठीक ठाक से होंगे। और दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने रानी तालाब का वीडियो बनाया था, तो रानी तालाब के बारे में जो जैसी थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, आज हम विजिट करते हैं जींद के महाराज की जो कोठी है अपोलो रोड पे, वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे उसका, जींद के महाराजा का जो रेजिडेंस है, जींद की राजा की जो कोठी बोलते हैं जिसको, तो आज उसको हम आपको जो है दिखाएंगे। और अगर वहाँ पे जो कोई मिलेगा तो उससे भी बातचीत कराएंगे। तो चलते हैं फिर, चलें। तो चलिए दोस्तों, ले वे दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जींद के राजा की कोठी के बिल्कुल सामने। ये देखिए, हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, ये है जींद के राजा की कोठी। ये पड़ती है अपोलो रोड पे, पड़ती है, ये नहर है, नहर के साथ में ही पड़ती है। तो ये देख लीजिए, बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। अभी एक बार अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि कोई है या होगा, तो अंदर तो कोई ना कोई तो होगा, पर अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, एक बार अंदर चलने की कोशिश करते हैं। कुत्ता भौंकने की आवाज़ आ रही है, हम गए थे वहाँ गेट तक, बट कुत्ता तो भौंक लिया पर अंदर से कोई नहीं आया। अभी कोई आदमी मिलता तो उससे बातचीत करते, तो अंदर से थोड़ा जानकारी लेते, पर अभी क्या ले, कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई दिखाई नहीं दिया। अंदर तो हैं, वैसे गाड़ी खड़ी है, बट चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको नहीं दिखा पाए, अंदर से बातचीत नहीं करा पाए, इसकी जानकारी नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, फिर कभी आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अंदर से किसी ने नहीं जाने दिया तो कोई बात नहीं। चलो मैं एक बार आपको जो है ना इसके चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू, कोठी का कैसा व्यू है, कैसी दिखाई देती, कितने एरिए में है, ये देख लीजिए आप लोग। ये देखो भाई, ये इसका यहाँ से कैसी दिखाई दे रही है, ये देख लो। ये हम चले, ये अब इसका ये नहीं पता ये फ्रंट व्यू है या साइड व्यू है, आप देख लो। और ये है इसका साइड व्यू। तो चलिए फिर दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर आएंगे कभी। तो दोस्तों, हम तो निकल ही रहे थे, लेकिन चलते चलते कि भाई साहब जो है हमें मिल गए हैं, ये यहीं के इसी साइड के रहने वाले हैं, तो इनसे पूछते हैं कुछ इसके बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो राजा साहब की कोठी है, इसमें मतलब कितने मेंबर हैं जो राजा साहब की फैमिली से? तो फैमिली तो इनके जो बंदे हुए तो लिए गुजर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बकुल इसके अंदर रानी साहब, रानी साहिबा है, रानी साहिबा इसके अंदर, रानी साहिब का, रानी साहिबा के दो लड़के थे, दोनों गुजर गए, दो लड़के थे दोनों। हाँ, दो मतलब उनकी घराड़ी तो है। अच्छा, मतलब भाई रानी साहिबा के दो लड़के थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, बट उनकी जो मतलब पुत्र वधु हैं, हाँ हाँ, वो जो है, और उनके बच्चे, उनके दो लड़के हैं, दो एक लड़की है, बड़े वाली बहू का एक लड़की है, छोटे अच्छा, वाली बहू का दो लड़के, बड़े वाली जो पुत्र वधु है उसको एक लड़का, लड़की लड़की एक लड़की, हाँ ओनली, और छोटे वाली को एक लड़का, दो लड़के, दो लड़के। हाँ, तो ये फैमिली जो है फिलहाल ही मतलब पाँच छः, चार पाँच मेंबर जो है। हाँ, इनकी लड़की यहीं रहती है, लड़की भी है। अच्छा, वो यहीं रहती है, रानी साहिबा की लड़की। हाँ, रानी साहिबा की। तो एक उनकी लड़की है, वो भी इधर ही रहती है, ये छोटा सा परिवार है जो कि अभी अंदर ही है। हाँ, अभी तो कोई सो रहे होंगे अंदर, सो रहे होंगे या जो भी है, कहीं कहीं गए होंगे, गए होंगे या आगे पीछे। तो अभी इस वजह से जो हम आपसे जो है उनकी बातचीत नहीं करा सके। और चलिए, ये देखिए रोटी कौन आ रही है, अभी आई है, वो ऊपर ही जाएगी। अच्छा, ये झाड़ू जप्पा को रोटी, हाँ काम करने वाली थी। हाँ, काम करने वाली थी। तो चलिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आएंगे दोबारा, वो उनसे बात कर ले, छोड़ के आई है उनके वो। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अगर फिर भी लगा है या नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है, और लगा है तो भी ठीक है, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल बिंदा जींदाड़े को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।